नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री अब चाय पीने लायक रह गए हैं। अनिल विज को मांगनी पड़ेगी माफी। जी हां, ये बात हमने नहीं, दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे राजकीय नेशनल कॉलेज, विद्यार्थियों व इनसो कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। आगामी 5 अगस्त को मनाएंगे इनसो का स्थापना दिवस। कैथल में अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा स्थापना दिवस। स्थापना दिवस को लेकर के दिया न्योता। छात्र संघ चुनाव को लेकर के 5 अगस्त को लेंगे आंदोलन का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री के समर्थन फॉर स्पॉट पर कसा तंज। अनिल विज व दुष्यंत चौटाला मामले पर दी प्रतिक्रिया। अनिल विज को मांगनी पड़ेगी माफी। 5 अगस्त को कैथल में इनसो के स्थापना दिवस को छात्र अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे। ये बात आज सिरसा के नेशनल कॉलेज में इनसो के स्थापना दिवस पर निमंत्रण देने पहुंचे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कही। दिग्विजय सिंह चौटाला ने बीजेपी सरकार के छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर के की जो वायदा किया था उससे वह मुकर रही है, इसलिए आज छात्रों के बीच में उनका साथ मांगने आए और 5 अगस्त को कैथल में इनसो के स्थापना छात्र अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे। और अगर सरकार 5 अगस्त तक छात्र चुनाव पर कोई फैसला नहीं लेती है उस दिन को भी कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। दिग्विजय ने कहा कि इस बात को लेकर के वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने आज सिरसा से की है, और छात्रों के बीच में जाएंगे, वह उनकी राय लेंगे और उसी आधार पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रमों पर तंज कसते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोग जनसभाओं में तो इकट्ठा हो नहीं रहे हैं इसलिए वे चाय पर जाने लायक नहीं रहे। वहीं उन्होंने कहा कि जो समर्थन फॉर स्पॉट कार्यक्रम चला रखा है उसके लिए लोगों को कह कह कर चाय पे जाने की बात करते हैं। इसके लिए दुष्यंत चौटाला को भी फोन करके कहा गया कि उनके साथ चाय पीना चाहते हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला द्वारा अनिल विज को लीगल नोटिस दिए जाने पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि अब कोर्ट ही इस बात का फैसला करेगा कि सिरसा में लोग नशेड़ी हैं या फिर जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का बयान देना सही है। इस बात के लिए आखिर अनिल विज को माफी मांगनी ही पड़ेगी। वहीं दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के 65+ के दावों को हास्यप्रद बताते हुए कहा कि इस पर उन्हें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। अगस्त में सितंबर में इलेक्शन करवाने का काम करेंगे। आज नए सत्र की शुरुआत में मैं छात्रों के बीच में 5 महीने बाद लौटा हूं। मुझे इस बात को कहते हुए पीड़ा है कि मनोहर लाल खट्टर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी कर करके ये वादा किया था वो आज सरकार उससे पीछे हट गई है, वो अपने किए हुए वादे से मुकर रही है। तो मजबूरी वर्ष हमें स्टूडेंट्स के बीच में आकर के एक नई मूवमेंट के लिए उनका साथ मांगने आए हैं, और 5 अगस्त को कैथल में एक छात्र अधिकार दिवस के तौर पर हम अपने फाउंडेशन डे को मनाएंगे। प्रदेश से नहीं बल्कि देश के छात्र उस दिन कैथल में एकत्रित होकर के अगर सरकार 5 अगस्त तक ये फैसला नहीं लेती तो फिर इस सरकार की जड़ें हिलाने के लिए, इस सरकार को चलता करने के लिए और स्टूडेंट्स अधिकार को पाने के लिए उस दिन बड़ा फैसला हम कैथल के अंदर लेने जा रहे हैं। अब मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूं। आज मैंने शुरुआत सिरसा से की है और इसी प्रकार प्रदेश के कोने कोने में जाकर के सभी से मिलूंगा, सभी से बातचीत करूंगा और स्टूडेंट्स के से पूछूंगा कि हमने इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़े एजिटेशन अभी तक चलाए हैं, आने वाला रास्ता क्या होगा, कैसे होगा, वो स्टूडेंट से पूछ करके तय करें। वो चाय पे जाने लायक ही रह गए क्योंकि अब लोग जनसभाओं में तो एकत्रित हो नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री अब जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन को कह के, डीसी को कह के, एसपी को कह के कि मेरी किसी के घर चाय करा दो। अब इनने एक नया एजेंडा शुरू करा है कि समर्थन फॉर सपोर्ट या सपोर्ट फॉर समर्थन करके कुछ ऐसा शुरू किया है। तो इसमें इस विषय में दुष्यंत चौटाला जी को भी फोन आया था कि तुम्हारा समर्थन मांगने के लिए हमारा चाहते हैं, तो ये फोन कर करके चाय पीना चाहते। हालात ऐसे हो गए हैं कि जब ये चुनाव में जाएंगे तो फिर इन्हें वो कहते हैं कि पुलिसिया बल लेकर के जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग इनसे जवाब मांगेंगे और इनके पास जवाब नहीं होगा। 65+ का दावा अपने आप में हास्यास्पद है और मुझे इस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। उनने कहा कि दुष्यंत जहां से आता है वो सब नशेड़ी और दुष्यंत भी नशे में लिप्त है, तो ये सिरसा के लोग, हिसार के लोग, हम इस इलाके के लोग नशेड़ी हैं या किसी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन का इस प्रकार आरोप लगाना कितना हमारे पे जायज है, इस बात का फैसला आप कोर्ट करेगा। वो किसी को नशेड़ी कह दे, आप
कोई एलिगेशन लगा रहे हो उसका कोई तथ्य होना चाहिए। सारे सिरसा को ही नशेड़ी कह दिया उनने, तो बीजेपी क्या कहती है? मैं नौजवानों को इस बात के लिए आज बताना चाहता हूं, बीजेपी का रुख यह है कि वो आपको नशेड़ी मानती है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है। इसलिए हम कोर्ट गए हैं, अनिल विज को आज नहीं तो कल माफी मांगनी पड़ेगी। वो बच रहे हैं कि एमएलए रहते ना मांगू, मंत्री रहते ना मांगू, कल को तो हटी जाना है, तो फिर कोई जानेगा नहीं, फिर छोटी सी खबर छपेगी।